हेलो एवरीवन, हम लोग अपने लेसन नंबर 8, जो हमारा चैप्टर 8 है साइंस एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का, हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका चैप्टर। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें जो पढ़ना है वो गॉल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल्जी एपरेटस, जो कि एक कोशिका का एक अंगक है। तो आइए हम गॉल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। गॉल्जी उपकरण, कैमिलो गॉल्जी 1898 में ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। यानी कि ये जो नाम पड़ा है वो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इसे देखा उसका नाम था कैमिलो गॉल्जी। इन्होंने केंद्रक के पास, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके पास कुछ जालिका जैसी संरचना देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गॉल्जी काय कहा गया। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या इसका साइज होता है? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं, यानी कि जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के पास एकदम चिपके होते हैं डिस्क शेप के, कुछ इस तरीके का, ऐसे 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 चिपके होते हैं ऐसे ऐसे करके। गॉल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गॉल्जी काय, गॉल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, यानी कहाँ होते हैं? केंद्रक के पास होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह उत्तलावत ट्रांस होती है। यानी दो इसका सिरा होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। जिधर से निर्माण होता है उधर सिस और परिपक्व सतह जो होता है वो क्या कहलाती है? ट्रांस। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों जो सतह होती है वो आपस में जुड़ी होती है। गॉल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव को संश्लेषित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है। क्या करती है ये? उसको समेट कर क्या करती है? अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाती है। किसको? द्रव्य को, या कोशिका के बाहर श्रवण करना या फिर कोशिका के बाहर निकालना होता है। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में गॉल्जी काय के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? वो द्रव्य अंतःप्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में, हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो पुटिका के रूप में सिस सिरे से इंटर करते हैं और ट्रांस के सिरे की तरफ गति करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गॉल्जी काय का अंतःद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है, क्योंकि जो अंतःद्रवी जालिका होती है उसी से निकलकर जो द्रव होते हैं पुटिका के रूप में निकलते हैं, फिर उसके बाद गॉल्जी काय में इंटर करते हैं। तो यानी कि ये दोनों पास पास होंगे। अंतःद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम होते हैं उससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गॉल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड रूप में रूपांतरित हो जाता है। गॉल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल है, यानी कि इसका मेन जो कार्य है क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का ये प्रमुख स्थल होता है। अब हमें पढ़ना है लयन काय लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में हम ये जानेंगे कि ये इसको एक तरह से सुसाइडल बैग कहा जाता है। जब किसी कोशिका को नष्ट होना होता है, ख़त्म होना होता है, तो लाइसोसोम जो होता है लयन काय वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। तो इसमें ऐसे एंजाइम मिले होते हैं जो कि कोशिका को डाइजेस्ट करा देते हैं, पाचन उसका करा देते हैं कोशिका का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग लयन काय को, लाइसोसोम को। ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गॉल्जी काय में बनते हैं। पृथकीकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलिजेज, लाइपेसेज, प्रोटीएसेज व कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। यानी जब अम्लीय परिस्थितियां होती हैं तो सर्वाधिक सक्रिय होते हैं ये एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है, यानी इसमें जो एंजाइम होते हैं वो ये सब सारी चीज़ों के पाचन में सक्षम होते हैं।
अब है रसधानी यानी कि वैक्यूल। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, यानी कोशिका द्रव में जो ऐसी संरचना होती है झिल्ली द्वारा घिरी जगह होती है, स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इनमें पानी, रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, यानी एक इकलौती ऐसी झिल्ली होती है उससे घिरी होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टिफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगामित होते हैं। क्या होता है कि पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टिफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगामित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। यानी क्या होता है कि इनकी सांद्रता तो जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन हाई होता है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो अमीबा में रसधानी है वो उत्सर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं में आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। अब है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक वर्ड में याद रखेंगे, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ATP यहाँ पे बनती है जो कि ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे देखा आसानी से देखा नहीं जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है, ये उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है। यानी हर कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है सूत्रकणिका की वो अलग अलग होती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। ये तश्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर या 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 to 1 माइक्रोमीटर यानी औसत जो उसका होता है 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। अभी हमने देखा था लाइसोसोम वो एकल थी, लेकिन जो ये है सूत्रकणिका वो क्या है, वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अकोशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्षा व भीतरी कक्षा में विभाजित करती है। यानी दो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, दो झिल्लियाँ जो उसको दो कक्षों में बांट देती हैं। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से बना होता है अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। यानी जो बाहरी भाग है भीतरी है वो घना होता है समांगी पदार्थ से भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जबकि जो बाहरी का है बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है। इसकी अंत झिल्ली कई अधात्री की तरह अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन का क्रिस्टो वो कहते हैं। जो अंदर वाला है उसे मैट्रिक्स और बाहर वाले को क्रिस्टी कहते हैं। देख लेते हैं फिगर 8.7 में, ये देखिए ये बाहरी झिल्ली है इधर, तो इसके अंदर जो भरा होगा इधर वो मैट्रिक्स कहलाएगा यहाँ, और फिर ये अंदर वाली झिल्ली है, देखिए अंदर वाली झिल्ली है उसको क्रिस्टी कह रहे हैं। ये जो ऐसे से स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रिस्टी है, और जो हमें ग्रीन वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है वो है अधात्री। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। अगर ये ऐसे मान लीजिए कि ऐसे रहे तो इसका क्षेत्रफल सिर्फ इतना है, अगर ये ऐसे 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 रहे तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। इसकी दोनों झिल्लियों में इनमें संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। झिल्लियों में एंजाइम होते हैं जो कि इसके कार्य से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवी श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं।
सूत कणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। यानी कि इसकी जो आधात्री होती है, जो मैट्रिक्स होती है, उसमें एकल वृत्ताकार डीएनए और कुछ आरएनए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें जो होती है मिलती है। सूत कणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो है लवक। आई हम लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। लवक यानी प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। यानी लवक जो होंगे सारी पादप कोशिकाओं में और कुछ प्रोटोजोआ में मिलेंगे, जैसे कि यूग्लिना में। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। प्लास्टिड में विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व केराटिनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। यानी पर्णहरित वर्णक जो है वो उस क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा को संचित करके रखते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय केराटिनाइड वर्णक जैसे किरोटीन, जैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। यानी ये किसका काम बता रहा है, प्लास्टिड का कार्य बता रहा है कि उसके आधार पर लवक जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बता रहा है कि पर्णहरित वर्णक और केराटिनाइड, हरित लवक जो होते हैं उसमें पर्णहरित वर्णक और केराटिनाइड वर्णक मिलते हैं। केराटिनाइड का एग्जाम्पल दे रहा है कैरोटीन, जैंथोफिल। इसके कारण पौधों में पीले, नारंगी व लाल रंग के दिखाई देते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधे की अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी हरे पौधे में क्या करते हैं, पत्ती में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं उसमें पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। उसके इसकी लंबाई दिया है 5-10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई दे रहा है 2-4 माइक्रोमीटर। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, इससे कोई फिक्स नहीं है कि एक पत्ती में इतने हरित लवक पाए जाएंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अलग अलग कोशिका के अकॉर्डिंग ये अलग अलग संख्या में पाए जा सकते हैं। जैसे प्रत्येक कोशिका में एक से 20-40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास और हरित शैवाल। सूत्र कणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली का युक्त होते हैं, यानी ये भी डबल झिल्ली से युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए स्थान को पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में क्या होता है, चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना, संगठित होती है, थैलोकोइड कहते हैं। थैलोकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना या अंतर ग्रेना थैलोकोइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में जो चित्र 8.8 है उसमें बना भी हुआ है। थैलोकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, जिसे अवकोशिका कहते हैं। यानी कि जो झिल्ली के अंदर जो संरचना, इसमें देखिए चपटी थैली संरचना है जिसे कह रहे हैं थैलोकोइड। देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है थैलोकोइड, ये देखिए, ये जो देखिए थैलोकोइड बना हुआ है। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। इनका कार्य क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थैलोकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। यानी इसमें जो पाया जाने वाला राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जो कि कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से थोड़ा छोटा होता है।
अब हम अपने जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा होगा राइबोसोम। अब राइबोसोम को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में राइबोसोम से पढ़ेंगे, और उसी वीडियो में हम राइबोसोम, फिर साइटोपंजर, फिर पश्माव व कशाभिका पढ़ेंगे, तारक काय व तारक केंद्रक, फिर लास्ट में हमारा पढ़ेंगे हम केंद्रक, और केंद्रक पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।